दुनिया की सेट अभी चल रहा है अपना इंडिया, राइट। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि मैं थी वायनाड, जो है केरला में, और कोची है वायनाड से काफ़ी नज़दीक है। सो मैं वायनाड से आ चुकी हूँ कोची, क्योंकि मैं जा रही हूँ कोची से लक्षद्वीप। यस, कैसे जाना है लक्षद्वीप, कहाँ से फ्लाई करना है, वहाँ पर जाने के क्या तरीके हैं, क्या परमिट्स लगते हैं और कितना खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी इस एपिसोड में। सो ध्यान से देखना, लेट्स गो। इंटरनेशनल जब जाते हैं तब इतना टाइम होता है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 घंटे पहले आते हैं। डोमेस्टिक में 2 घंटा पहले आते हैं, उसमें भी इतना रश होता है। आजकल एयरपोर्ट पता नहीं क्या हो गया, इतना रश होता है। और अभी मैं आई, सोचा स्टारबक्स एक कॉफी लेके भागती हूँ, बट हम ऑलरेडी 8:25 लेफ्ट से कॉफी लेके भागते हैं एयरपोर्ट पे। और स्टारबक्स की कॉफी ना लो ये तो हो ही नहीं सकता, कितना भी लेट हो गया। 25 मिनट बाकी है गेट बंद होने में, भी मुझे आज अभी और 5 मिनट वॉक करके जाना है, बट मैंने सोचा एक कॉफी ले लेती हूँ यहाँ पर, सोचा मैं कॉफी। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि लक्षद्वीप आप कैसे जा सकते हैं फ्रॉम मुंबई और फॉर एनी अनदर सिटी, बट बेस रहेगा हमारा कोची, क्योंकि कोची से ही सारे कनेक्शंस हैं टू गो टू लक्षद्वीप। सबसे पहले अगर आप मुंबई रहते हो तो मुंबई से आपको फ्लाई करना है, या तो ट्रेन लेनी है मुंबई टू कोची या मुंबई टू कोची फ्लाइट, और उसके बाद कोची से भी फ्लाइट्स है टू लक्षद्वीप, बट देयर इज़ ओनली वन फ्लाइट विच इज़ एयर इंडिया, जो जाती है कोची से लक्षद्वीप। अदरवाइज यू हैव अनदर वे विच इज़ शिप। सो अगर आप देख पा रहे होगे ये जो जगह है निडुम्बा सरी, ये है कोची एयरपोर्ट जहाँ पर मैं हूँ। अलुवा यहाँ पर है मेट्रो, ट्रेन मेट्रो स्टेशन। सो यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो यू कैन टेक अ कैब ऑल्सो, एल्स यू कैन गेट बस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू गो ओवर हियर इन 50 रुपीज। एंड अलुवा से मेट्रो ट्रेन लेके आपको आना है यहाँ पर, और ये जो जगह है उसका नाम है एर्नाकुलम। यहाँ से आपको 15 मिनट्स का वॉक है जो है फोर्ट कोची। तो ये जो मैंने आपको बताया ये है बजट वाला प्लान, अगर आपको प्रॉपर डायरेक्ट कैब के पैसे खर्च नहीं करने हैं तो। और जो शिप्स है जो निकलती है वहाँ से, उसकी मैं सारी डिटेल्स आपको ज़रूर बताऊँगी। और अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट में जाना है, अगर मुंबई या दिल्ली से, फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई से अगर बात करें तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मुंबई से आपको लक्षद्वीप की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट जब बुक करते हो तो आपको बहुत महंगी पड़ती है। दो इट्स फ्रॉम मुंबई टू कोची एंड लक्षद्वीप, तो इससे बेटर ये रहेगा कि आप अलग अलग फ्लाइट बुक करो, दो अलग अलग टिकट्स बुक करो, ओके, मुंबई से कोची एंड कोची से लक्षद्वीप। क्योंकि मैं जब ये फ्लाइट बुक कर रही थी मुंबई से डायरेक्ट लक्षद्वीप, उसकी जो फेयर था वो था 45,000, में थोड़ी सी डर गई कि इतना ज़्यादा कैसे। उसके बाद मुझे समझ में आया तो मैंने मुंबई से कोची की जो मुझे रिटर्न फ्लाइट 12,000 रुपीज़, एंड कोची से लक्षद्वीप जो मुझे रिटर्न फ्लाइट 12,000 रुपीज़, तो अराउंड 24,000 to 25,000 रुपीज़ में मुझे फ्लाइट हो गई। बट देर इज़ अनदर वे टू गो टू लक्षद्वीप इफ यू वॉन्ट टू गो, विच आई लेट यू नो। ये जो है वो फोर्ट कोची है, और यहाँ से सामने विलिंगटन आइलैंड, जहाँ से लक्षद्वीप के लिए शिप निकलती है। सो राइट नाउ इट्स नाइट, सो जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस। सो आफ्टर स्टेइंग वन नाइट इन कोची आई एम बैक टू कोची एयरपोर्ट, क्योंकि यहाँ से एक ही फ्लाइट चलती है पूरे दिन में, सुबह की 11:55 एयर इंडिया। और फॉर मी इट्स 2 डेज टू ट्रैवल टू लक्षद्वीप, बट आप लोग अगर मुंबई से आ रहे हो तो देर इज़ अ मॉर्निंग फ्लाइट मुंबई से, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट विच यू कैन कैच, यू कैन रीच ओवर हियर एंड टेक अनदर फ्लाइट फ्रॉम कोची टू लक्षद्वीप। बाकी मैंने आपको जहाँ से शिप जाती है वो भी जगह दिखाई अगर आपको शिप से जाना है तो, बट फिलहाल एट प्रेजेंट शिप इज़ नॉट वर्किंग। आई एम ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, बट जब मैं ब्लॉग रिलीज़ करूँगी तब आपको इंक्वायर ज़रूर करना पड़ेगा कि तब शिप चालू है कि नहीं। शिप का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहता है, विच आई एम गोइंग टू मिस, बट या फॉर द नेक्स्ट टाइम आई एम होपिंग, लेट्स सी। सो सब कुछ हो गया है, चेक इन, बैग चेक एंड ऑल। यहाँ पर जो आपको परमिट्स मिलती हैं वो और डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट, एज पर नाउ यही दिखाना है। कोविड टेस्ट अभी फ़िलहाल नहीं है, बट यू नेवर नो, जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि कोविड टेस्ट RT-PCR कराना है कि नहीं। सो आई एम ऑल माई वे टू द गेट। और मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे वेबसाइट मेंशन की है जिस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर सकते हो टू गेट परमिट। और यहाँ का रूल है यू कॉन्ट बुक होटल, जैसे हम booking.com से होटल बुक कर देते हैं कोई भी डेस्टिनेशन का, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। आपको उस वेबसाइट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एजेंट्स के नंबर्स भी मिलेंगे, आप एजेंट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको पैकेज देंगे पूरा। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पैकेज, इवन इफ़ यू आर नॉट फ्लाइंग, इफ़ यू आर गोइंग बाई शिप समुद्र पैकेज ऑल्सो देर आर पैकेज, इफ़ यू आर फ्लाइंग स्टे एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल, बट एवरी थिंग यू विल गेट फ्रॉम द वेबसाइट ओनली। आप कुछ भी चीज़ पसंद नहीं कर सकते हैं, दैट्स द रूल ऑफ लक्षद्वीप टूरिज्म। वेरी टाइनी प्लेन, छोटू सा प्लेन है, नॉट बिग एयरक्राफ्ट।
इट इज टू हॉट, जबकि मैं फरवरी में आई हूँ तभी भी यहाँ पर थोड़ी गर्मी है, बट नॉर्मली जनवरी दिसंबर इज द बेस्ट सीजन, बट स्टिल पीपल फ्लाई और पीपल कम टू लक्षद्वीप टिल मे, उसके बाद दो तीन महीना बारिश में छुट्टी रहती है. एंड सी बिहाइंड मी द ब्लू वाटर लुकिंग सो अमेजिंग, जब मैं लैंड हो रही थी ऊपर से तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी के ऊपर लैंड हो रही हूँ. वाह, आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर लक्षद्वीप, लेट्स गो. ये है एयरपोर्ट और ये है अगत्ती आईलैंड जहाँ पर फ्लाइट लैंड होती है और हमें जाना है कवरत्ती आईलैंड. सो यहाँ से हमें जेट्टी तक जाना है जहाँ से आगे हम शिप में जाएंगे कवरत्ती आईलैंड. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट आईलैंड, यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांट टू स्टे फर्स्ट. एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रही हूँ सबसे पहले कवरत्ती आईलैंड. सामान लेके यहाँ से निकलेंगे. अंदर टर्मिनल में आते ही टूरिस्ट डिपार्टमेंट है और वो लोग आपको सारे प्रूफ मांगेंगे. ये मुझे टोकन दिया है नंबर 34. सो जब मेरा नंबर आएगा दे विल अनाउंस माई नेम एंड टोकन नंबर. पैसेंजर टू कवरत्ती, एंट्री परमिट वेरिफिकेशन, वेलकम टू स्पोर्ट्स लक्षद्वीप टूरिज्म. सो दैट इज़ अ वेबसाइट स्पोर्ट्स लक्षद्वीप टूरिज्म जहाँ से आपको परमिट्स और ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं. आई मीन वेबसाइट के ऊपर आपको लॉग इन करके अप्लाई करना है, यहाँ पर आके नहीं. यहाँ पर आप आके तो आपको सिर्फ अपने परमिट्स दिखाना है. लेट्स सी क्या पूछते हैं वो लोग. यहाँ बाहर जब आओगे तो कैब्स एंड ऑटो वाले भी मिल जाएंगे. अगर आपको अगत्ती आइलैंड पे ही रुकना है तो यू कैन टेक लोकल ऑटो कैब. बट हियर आई एम गोइंग टू वेसल, लाइक जेट्टी. वेसल जाने के लिए 4 किलोमीटर की जर्नी है जो आप ऑटो या कार में जा सकते हो और आई थिंक 10 मिनट्स. और वेसल से जेट्टी से आपको टिकट लेनी है इफ़ यू आर गोइंग टू कवरत्ती फर्स्ट. सो आई एम गोइंग टू कवरत्ती, दैट्स वाई पीपल ट्रैवल हियर. ये अगत्ती में वेसल और यहाँ से आपको लेनी है वेसल की टिकट टू गो एनीवेयर बागाराम. सो ये है मेरा टिकट फॉर वेसल जेट्टी, 500 रुपीज पर पर्सन. तो यहाँ पर आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, दैट्स इट. और आई एम ऑल सेट. अभी मैं अपना जेट्टी में बैठ के, यहाँ से 2 घंटा है कवरत्ती जहाँ पर मुझे जाना है. तो इट डिपेंड्स आपको कहाँ जाना है. अगर आपको अगत्ती में रहना है देर आर लॉट ऑफ होटल्स जो आपकी बुकिंग में होगा, बट मैं जा रही हूँ कवरत्ती. लेट्स गो. ये छोटी सी शिप में बैठ के यहाँ से सामान लेके जाना है आगे वेसल की तरफ. सामने जो वेसल आ रही है ना, तो वो छोटी सी जो बोट है वो लेके वहाँ तक जाएगी. प्रोटेक्टिंग माई स्किन, कैन यू सी आई हैव टू नो ऑप्शन बिकॉज बहुत धूप है यहाँ पर. तो मैंने सोचा पूरा पैक कर लेती हूँ. स्किन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. अभी तो डाइव करना है यहाँ पर मुझे लक्षद्वीप में. गर्मी में 2 घंटा बैठ के जाना है, बस कवरिंग माई फेस. फाइनली ये जो जगह है अंदर बोट वेसल, ये एसी है तो कोई टेंशन नहीं, आराम से चिल आउट करो. कॉफ़ी और टी भी मिलती है इफ यू वांट टू हैव. एंड आई थिंक 2 घंटे की जर्नी है, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी मैं कवरत्ती आईलैंड. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी आईलैंड वेयर आई एम गोना स्टे एंड डाइव. सो दिस इज द प्रोसेस मुंबई से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या क्या करना है, कितना खर्चा लग सकता है. वैसे तो आपको पैकेज मिलेंगे जो भी समुद्र पैकेज जो इनके पास होता है उसके कुछ 40,000 रुपीज़ चार्जेस होते हैं विद टैक्स एंड ऑल, जिसमें आप लोग 3 दिन शिप में ही रहते हो, 3 से 4 दिन. बट वी हैव मोर पैकेज जहाँ पर आपको आइलैंड पे रहना है, होटल्स में रहना है. तो जो भी आप डिसाइड करोगे उस तरह से वो लोग आपके पैकेज डिज़ाइन करता है. एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंशन की है. यू कैन गो थ्रू विद दैट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट लॉट ऑफ एजेंट्स आर देयर जो कनेक्टेड होते हैं यहाँ के गवर्नमेंट से और उनके पास सारे पैकेज होते हैं. उनको अथॉरिटी होती है टू सेल ऑल पैकेजेस. Hi. He is my chief instructor for diving and this is Kavaratti Island. So अपना यही पे घर है, अटॉल स्कूबा. मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स भी लिखी है. यहाँ पर लोग गेम्स खेल रहे हैं आपने देखा. और अटॉल स्कूबा जहाँ पर मैं स्कूबा का कोर्स करने वाली हूँ. इफ यू वॉन्ट टू डू स्कूबा आई एम गोना गिव यू डिटेल्स ऑल्सो. सो आज यहाँ पर मैं पहुँची हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटिफुल सनसेट. यहाँ से जो दिख रहा है 32 स्क्वायर मीटर, इतना ही लैंड है, बाकी हर जगह पानी. अगत्ती से यहाँ पर आने में लगा मुझे 2 से 2.5 घंटा, बट वॉज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया. अभी चालू करेंगे मॉर्निंग से
स्कूबा डीप डाइविंग. आई एम सो एक्साइटेड. तो ये पूरी टीम है मेरे साथ अभी अटोल स्कूबा डाइविंग. यानी आपको स्कूबा सीखना है तो कवरत्ती आ जाइए. द ब्यूटीफुल प्लेस. आई एम सो ब्लेस्ड फ्रॉम हियर. समीर आमिर ये दोनों असिस्ट करते हैं. ये हमारे मेन इंस्ट्रक्टर है एंड ये है तामिर. तामिस सब मैनेज करता है एवरीथिंग. ओके तो अभी हम जाएंगे अपने डाइविंग स्कूल के रूम में, आराम करेंगे थोड़ा बिकॉज ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है. इट वाज अमेजिंग जर्नी. थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आपको अबाउट डाइविंग कोर्स एंड ऑल. विल गिव इट टू यू लेटर. Welcome to Atoll Scuba. कल आने के बाद I took rest, मस्त freshen up and भी एकदम fresh mind से मैं आ चुकी हूँ diving school में. और सबसे पहले जो formality है वो मुझे करना है ये form fill. तो ये है students record file और इसमें अपनी सारी informations fill करनी है ताकि उनके पास सारा डेटा रहे. क्योंकि हम लोग dive करने जाते हैं अंदर. okay? It is inside the water which is necessary. So let's do it. थियरी इज़ टू लॉन्ग. काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती. इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठ के आपको समझाएंगे प्रॉपर चीज़ें. सो आज मेरा डाइव का फर्स्ट डे है. ओपन वाटर डाइव विच इज़ द फर्स्ट स्टेज और जिसका चार्जेस होता है 25,000 रुपीज़ और जिसमें आपको 5 days का डाइव ट्रेनिंग मिलेगा. एंड सेकेंड होता है एडवांस डाइव जिसका होता है 20,000, दैट इज़ फॉर 3 days. सो आई थिंक 7 to 8 days का ये प्रॉपर जो हम कर सकते हैं कोर्स. द अमाउंट अबाउट द कोर्स इज दिस. सो द लिंक ऑलरेडी मेंशन इन माई डिस्क्रिप्शन. यू कैन कॉन्टैक्ट दैम इफ यू वांट टू डू दैट एंड फॉर द परमिशन एवरीथिंग. और अभी फ़िलहाल मैं सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो पहनने होते हैं कॉस्ट्यूम और पैर में एंड मास्क एंड ऑल्सो सारी चीज़ों का मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ. लेट्स सी कैसा जाता है फर्स्ट डे विद लॉट ऑफ स्ट्रगल. क्योंकि स्विमिंग तो आती है बट स्विमिंग के साथ साथ स्कूबा करना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, यानी डीप वाटर जाके. सो लेट्स स्टार्ट. अभी तो मैं ऐसे ही क्लोथ्स के ऊपर ये पहन के ट्राई कर रही थी. BCD बोलते हैं इसको. ये जो जैकेट है तो अपनी साइज़ का है कि नहीं, आई वॉज चेकिंग. और इसको भी प्रॉपर मैंने पहन के चेक किया उसका फिटिंग कैसा है. तो दीज आर द कॉस्ट्यूम्स. मुझे अपने कॉस्ट्यूम्स पहनने हैं जो डाइव करने जाना है. इट शुड बी वेरी टाइट. जो भी आप पहनते हो लूज नहीं पहन सकते. तो यार ऑल सेट. आई एम कंफर्टेबल वेरी मच. लेट्स गो. बाहर वैसे भी थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि बाहर है. जैसे ही अंदर जाते हैं पानी बहुत कोल्ड होता है. तो बेस्ट व्यू जो अंदर का होता है वो दिन में ही आता है. इवन मॉर्निंग यू कैन ऑल्सो डाइव. सो मॉर्निंग आई वॉज लर्निंग ऑल थिंग्स. नेक्स्ट कल से मैं मॉर्निंग डाइव ज़रूर करूँगी ताकि थोड़ा सनी कम हो. एंड टू प्रोटेक्ट स्किन व्हाट आई डू अप्लाई सनस्क्रीन एवरीवेयर. फेस पे मैं थोड़ा बेस लगा लेती हूँ, स्टिकी बेस, जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट मेरे फेस को टच ना करे. So that's why and that's how I protect my skin. That's right. Learning like this. काफ़ी नीचे तक मैं गई. आई सॉ फिश ऑल्सो. थोड़ी टेक्निक्स है टू डू इट. थैंक्स टू आबू. मज़ा आ गया. Wow, friends, see my skin got tan. Congratulations. एंड इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस. फर्स्ट डे वॉज जस्ट अमेजिंग. मैं इतना थक गई थी उसके बाद कि मैं लिटरली सो गई. एंड आज मेरा है सेकेंड डे. आज से मैं ओपन वाटर डाइव करने वाली हूँ
और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है. आई थिंक मिनिमम नेक्स्ट 7 डेज, जो मैंने आपको बताया कि कितने डेज का कोर्स होता है. सो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे एग्जैक्ट क्या क्या मैंने सीखा, कितनी स्ट्रगल की, कहाँ तक मैं पहुँची, कैसा लगा आज का इंटायर एपिसोड, कहाँ से कहाँ फ्लाई करके कहाँ पर आ गई शिप में, एंड माई जर्नी. आई होप आपने ज़रूर पसंद किया होगा. तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन. और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक अलविदा, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय.